नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। मंत्री ने किया तिलदाग व कुंडी विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन। अब कोलावल क्षेत्र को मिलेगी निर्बाध बिजली। जिले के गढ़वा प्रखंड अंतर्गत तिलदाग एवं कुंडी ग्राम में नव निर्मित विद्युत शक्ति उपकेंद्र का बुधवार को उद्घाटन किया गया। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधिवत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इन दोनों विद्युत शक्ति उपकेंद्र को बन जाने से पूरे गोवावल क्षेत्र में अनवरत विद्युत आपूर्ति हो सकेगी, साथ ही फर्टिया सब स्टेशन का भी लोड कम हो जाएगा। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि जिले के गांव-गांव में निर्बाध बिजली मिल सके, इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। ओवरलोड और ब्रेकडाउन की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना चरण दो के तहत तिलदाग एवं कुंडी ग्राम में क्रमशः 4 करोड़ व 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 33/11 KV विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है। इसके प्रारंभ होने से 11 KV लाइन की लंबाई कम हो जाएगी, फलस्वरूप किसी भी तरह का फॉल्ट होने पर उसे शीघ्र ठीक कर लिया जाएगा। वर्तमान में फर्टिया सब स्टेशन से इन क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी। फीडर की लंबाई 30 किलोमीटर होने पर एवं फीडर को ओवरलोड रहने के कारण विद्युत तार का टूटने तथा ब्रेकडाउन होने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। अब सभी समस्या दूर होंगी एवं निर्बाध बिजली पूर्ति की जा सकेगी। इसके साथ ही भविष्य में बढ़ते विद्युत लोड के लिए नए फीडर का निर्माण करना आसान होगा, साथ ही ग्रामीणों की मांग के अनुसार पावर की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके अलावा कृषकों के लिए नए कृषि फीडर का रास्ता आसान होगा। छोटे छोटे उद्योगों एवं कृषि कार्य के लिए दोनों विद्युत शक्ति उपकेंद्र वरदान साबित होंगे। मंत्री ने कहा कि उनके विशेष प्रयास से तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तत्परता से वर्ष 2020 में ही गढ़वा जिले में बिजली की समस्या दूर करने का उल्लेखनीय कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कराया गया। यह गढ़वा जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में निशुल्क बिजली योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के गरीबों और किसानों को बिजली बिल के लिए बोझ को कम करने के लिए हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है। जो उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं देना होगा। मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि मैं एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाई की तरह हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ हूं और आगे भी रहूंगा। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो के जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह, केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धन्यवाद। हर पल की ताज़ा खबरों को देखने के लिए गीतांश टीवी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।